You know, God is not angry at anyone. परमेश्वर किसी पर गुस्सा या नाराज नहीं है. This is a message many people don't know. अब ये ऐसा संदेश है जो कई लोगों को नहीं पता. We always live with fear and guilt. हमेशा दोष और डर के साथ जीते हैं. Thinking that God is maybe angry at me. ये सोचते हैं शायद परमेश्वर मुझ पर गुस्सा है. Or if some pastor or man of God could just say that God is not angry at me, I'll be happy. या फिर सिर्फ कोई पास्टर या परमेश्वर का सेवक ये मुझसे कह दे कि देखो परमेश्वर तुम पे गुस्सा नहीं है और तब मैं खुश हो पाऊंगा. This is one of the reasons many Christians run here and there to hear this word of prophecy. और यही कारण है कि बहुत से मसीह यहाँ वहाँ भागते रहते हैं ताकि इस तरह की कोई भविष्यवाणी खुद के लिए सुन सके. You know, these Christians are living by senses. और इस तरह के मसीह अपने इंद्रियों के सहारे, भावनाओं के सहारे जी रहे हैं. Not by faith. विश्वास से नहीं जी रहे. Amen. Amen. They don't know what the word of God says. वो जानते ही नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. They are living in condemnation. वो दंडाज्ञा में जी रहे हैं. Living in fear and guilt. डर और दोष की भावना में जी रहे हैं. They are sad. वो उदास हैं. They are not happy. वो बहुत खुश नहीं रहे. So their prayers don't work. इसलिए उनकी प्रार्थना असर नहीं दिखाती. Because their faith is not working. क्योंकि उनका विश्वास ही काम नहीं कर रहा. When they come to God, और ना ही जब वो प्रभु के पास आते हैं, they don't come with joy. वो खुशी और आनंद के साथ नहीं आते. As a father-son relationship, पिता पुत्र के नाता ये समझ कर नहीं आते. They come as a servant, वो दास के नाते आते हैं. Always thinking when my boss will shout at me. हमेशा यही सोचते रहते हैं पता नहीं मेरा मालिक मुझ पे कब गुस्सा हो जाए. Now, this is a great problem with Christians. अब ये मसीहों के साथ बहुत बड़ी परेशानी है. And the devil doesn't want you to know the truth. और शैतान चाहता ही नहीं कि आप सच जाने. That you always live a depressed life. ताकि आप हमेशा निराशा वाला जीवन जिए. You know, many Christians write to me. अब बहुत से मसीह मुझे लिखते हैं, Pastor, I'm depressed. कि पास्टर मैं बहुत निराश हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. What is the reason? To be depressed. अब निराश होने का कारण क्या है? They are depressed because of God. वो परमेश्वर के कारण निराश है. Because they think God is angry at them. क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रभु मुझ पर गुस्सा है. So God may not answer their prayers. परमेश्वर इसलिए उनकी प्रार्थना कभी उत्तर नहीं देता. Their relationship is always based on performance. So उनका जो नाता है प्रभु के साथ वो हमेशा अच्छे कामों पर आधारित होता है. Though they do more, वो जितना ज्यादा करते हैं, the more the thought comes, is God happy? उतना ही ज्यादा मन में ये विचार आता है क्या परमेश्वर खुश हो गया है. They are not living based on the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान के आधार पे वो नहीं जी रहे. Amen. This kind of life is really miserable. अब इस तरह की जो जीवन जीते हैं वो सही में दुर्दशा में जीते हैं. If God puts that burden on us, यदि परमेश्वर ऐसा बोझ हम पे डालने लगे, always trying to perform to be blessed or accepted, जहाँ हम हमेशा अच्छा काम करेंगे तभी वो हमें स्वीकारेगा या आशीर्वाद देगा. Is it by grace or works? तो फिर ये कृपा से मिला है या कामों से मिला है? Amen. If it is grace, यदि ये अनुग्रह से है, he's always happy. तो वो तो हमें हम पे हमेशा ही खुश है. Amen. Amen. There is no hindrance at all. तब तो कोई अड़चन है ही नहीं. Every wall is pulled down. तो हर एक दीवार गिरा दी गई है. Every sin is removed. हर एक पाप निकल गया है. Amen. Amen. See, God wants us to live. Us to live a happy life. देखिए प्रभु चाहता है कि हम एक आनंदित जीवन जिएं. He has come to give us life in abundance. प्रभु आए ताकि हमें भरपूर जीवन दे. Actually, in this time, God wants us to be joyful. देखिए इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत आनंदित रहें. When everyone is in fear, जहाँ हर कोई डर में जी रहा है, we have to live joyfully. हमें आनंद दिखाकर जीना है. You know. Saints have been praying for years. आप जानते संत हजारों सालों से प्रार्थना करते आ रहे थे. Our Father, कि हे हमारे पिता, Your kingdom come. तेरा राज आए. So the kingdom is come now. तो अब उसका राज आ चुका Your है. Your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven. जैसे स्वर्ग में होती so है. So let it be on this earth. वैसे ही धरती पर तेरी इच्छा so पूरी हो. So let it be through my life. वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो. Amen. Amen. Now God. He started to answer this prayer. अब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर दिया है. But Christians are not accepting it. पर मसीह से मानने को तैयार ही नहीं है. They have been asking for years. वो यही प्रार्थना सालों से कर रहे थे. जो स्वर्ग में है वैसा धरती पर होने दो, मेरे जीवन में होने दो, लोगों को बताने दो कि यही स्वर्गीय जीवन है. We have been praying like that. तो हम भी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे. And now when the time has come, और जब अब समय आ चुका है, we are not accepting it. तब हम उसे मानने को तैयार ही नहीं है. We are not living the heaven life. हम स्वर्ग वाला जीवन जीने को तैयार ही नहीं है. The problem is many don't know what is heaven. अब परेशानी है कि कई जानते ही नहीं कि स्वर्ग है क्या. If you pray, Lord, let it be like it is in heaven now on earth. Let it be on earth that way.
यदि आप ये प्रार्थना करते कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर अब पूरी होने दे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग में क्या है. That is why God is opening up heaven today. और यही कारण है आज परमेश्वर स्वर्ग खोल रहा है. You will see many will be getting revelation about heaven. तो देखिए कई लोगों को आप देखेंगे स्वर्ग का प्रकाश और प्रकटीकरण मिलेगा. Because that is the way you can live heaven on earth. इसी रीति से तो आप स्वर्ग वाला जीवन धरती पर जी सकेंगे. The way people are preaching, जिस रीति से लोग प्रचार कर रहे हैं, the way you should live heaven life on earth. तो वो वैसा प्रचार नहीं है जैसे हमें स्वर्ग वाला जीवन धरती पर जीना है. Let us clear some facts. तो आइए कुछ असलियतों को साफ साफ करें. We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं. Amen. Amen. I always say this. मैं हमेशा कहता हूँ. When you read the Bible. जब आप बाइबल पढ़ते हैं. Read the Bible with this new lens of grace. Based on the finished work of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य के चश्मे लगाकर नए दौर में आकर कृपा के दौर में आके बाइबल पढ़िए. Amen. Amen. Whenever you read the verse. जब भी आप कोई वचन पढ़ते हैं. Don't read like the Old Testament. पुराने करार की तरह मत पढ़िए. Amen. And don't attach any strings. और ना ही उसमें कोई और जोड़ लगाइए शर्तों की. Don't put more shirt there. वहाँ किसी तरह की शर्त मत रखिए. What it doesn't say, you make it, you say it. और जहाँ जो नहीं लिखा है वो आप खुद कहते हैं और लिखते हैं. That's a problem with यही many. तो परेशानी कई लोगों के साथ. When a gift is given, there's no strings attached. It is a gift. और जहाँ पर कोई दान या तोहफा दिया जाता है तो वहाँ कोई शर्त लागू नहीं होती है, वो सिर्फ एक तोहफा होता है. Anything the Bible which says it's a gift. और जो भी वचन में दिया गया है वो सब दान है. Many righteous leaders don't want us to take it as a gift. They attach some strings. और कई ऐसे धार्मिक प्रधान हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम उसे तोहफे या दान के तौर पे लें. वो कई उसमें नियम जोड़ते हैं, कई शर्त रखते हैं. अच्छा, फ्रीली देने का नहीं, उन लोग प्रभु फ्री देता है, मगर इन लोग स्ट्रिंग्स अटैच करके देते हैं. इफ, यदि, बट, पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा डालते ही उन लोग उसमें बीच में. तो इसके लिए फ्रीली मिलता ही नहीं लोगों को. प्रभु फ्री देता है, हम उसको स्ट्रिंग्स अटैच करके देते हैं लोगों को. और लोग क्या बाइबल नहीं पढ़ते. वो पास्टर बोला मतलब सही. When they argue with other people also, they have not read the Bible personally to argue. They have heard it and they argue what they heard it. अब जहाँ वो बहस भी करते हैं किसी और के साथ, तो वो जब बहस करते हैं खुद उन्होंने बाइबल में वो वचन पढ़ा है इसलिए बहस नहीं करते, पर किसी से सुना है वो सुनी हुई बात को लेकर बहस करते हैं. तुम खुद पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा नहीं, मगर हमारा चर्च में ऐसा बोला है. तुम खुद देखा है क्या? नहीं मैंने नहीं देखा है. See, that is the problem. यही तो परेशानी है. Amen. See, live freely. तो देखिए आजादी वाला जीवन जिए. Amen. Amen. For this purpose, Jesus came to make you free. इसी मकसद के लिए तो यीशु आए ताकि आपको आजाद कर दे. We have a good relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा नाता जुड़ा है. So, first thing you must know that God is not angry at you at all. पहली बात आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं है. Whatever it is. चाहे कुछ क्यों ना हो. नहीं बट वो पाप की वजह से गुस्सा. अरे पाप की वजह से कैसा गुस्सा आएगा? प्रभु यीशु ने पाप का दंड भर दिया ना तुम्हारा. इज गॉड लुकिंग एट सिन और गॉड लुकिंग यू थ्रू जीसस? क्या परमेश्वर आपके पाप को देख रहा है या आपको यीशु से देख रहा है, यीशु के द्वारा देख रहा है? आमेन. आमेन. हेलो, इट इज नॉट गॉड्स प्रॉब्लम, इट इज आवर प्रॉब्लम. ये परमेश्वर की परेशानी नहीं है, हमारी परेशानी है. These wrong things have been fed in our minds. ये गलत सोच हमारे दिमाग में भर रखी गई है. Amen. God is not angry. You have accepted Jesus. आपने यीशु का स्वीकार किया है. Why will God be angry? फिर परमेश्वर आप पे गुस्सा क्यों होगा? You know, you'll be shocked to know. ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी. Under the new covenant of grace. कृपा के नए काल के नीचे. God is not even angry at unbelievers. ये परमेश्वर अविश्वासियों को लेकर भी गुस्सा नहीं है. That has been preached for several years. और यही प्रचार तो कई सालों से किया जा रहा है. Sinners at the hands of an angry God. कि जो पापी है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भरा हाथ उतरा है. How can God be angry when Jesus paid it all? जहाँ परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सभी की भरपाई कर दी है, वहाँ परमेश्वर किस पर गुस्सा कैसे हो सकता है? Amen. Don't live with that fear and condemnation and guilt. उस तरह के दोष, डर और दंड की भावनाओं के नीचे मत जिए. You will cancel your faith. आप अपने विश्वास को रद्द कर देंगे. You will never believe that God can bless you. आप कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर आपको आशीर्वादित कर सकता है. You can never believe that your prayer is heard. आप कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है. It is not God who is hindering. You are hindering your own self because your faith is not working, because your believing is wrong. परमेश्वर रुकावट नहीं डाल रहा है, ये आपका विश्वास है खुद आज जो रुकावट बन चुका है क्योंकि आपका विश्वास ही गलत है. आमेन. हमको कैसा मिलता है? विश्वास से.
कृपा पे हमको मिलता है. आमेन. इट्स नॉट बाय वर्क्स. ये हमारे कामों से नहीं है. वी आर नॉट फेसिंग लॉ. हम नियम शास्त्र पे नहीं चल रहे. डू वर्क्स ताकि हम कामों का सहारा लें. वी आर फेसिंग ग्रेस. हम कृपा को देखते हैं. एंड ग्रेस रिक्वायर्स योर बिलीविंग. और कृपा के लिए सिर्फ आपका विश्वास जरूरी है. बस. Don't add any strings. और उस पर किसी तरह की शर्त मत रखिए. You know, you will understand when preachers preach and they add some strings there, that gift is no longer a gift. हम देखते हैं जहाँ प्रचारक किस तरह का प्रचार करते हैं और उस पर कई शर्तें लागू करते जाते हैं, तो जो दान मिलने वाला है वो जो मुफ्त का दान है फिर मुफ्त का नहीं रहता. गिफ्ट को निकाल देता है और बहुत सारा स्ट्रिंग्स अटैच करके देता है तुमको. I don't know why they don't want it. Want you to have freely. मैं नहीं जानता कि वो क्यों आपको नहीं चाहते कि सारी चीजें मुफ्त में मिले. प्रभु मुफ्त देता है, मगर इन लोगों की कॉस्ट डालता है उसमें. प्रभु नहीं डालता है. That's what the Lord had to tell. Come to me, all who weary, I'll give you rest. और ये कारण प्रभु को कहना पड़ा कि जो बोझ से दबे और थके लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा. लोग ने इतना रिलीज लेटर काम पे लगा दिया उन लोग को, उन लोग थक गए. इसलिए लॉर्ड ने डायरेक्ट बात किया उनसे, तुम लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देता हूँ. वो सोचा विश्राम ये तो काम देने वाला था. नहीं. सो टुडे अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल. इसलिए आज जो ज्यादा तादाद में लोग हैं, होल हार्टेडली बिलीव दैट गॉड इज मैड एट देम. वो पूरे मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन पर बहुत गुस्सा है. सो दैट व्हाटएवर दे डू, दे आर नॉट डूइंग आउट ऑफ लव फॉर हिम. दे आर डूइंग You know, to be accepted, to be blessed, to be healed, to be delivered. तो जो कोई काम वो करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनका स्वीकार कर लिया है, पर इसलिए करते हैं ताकि प्रभु उनका स्वीकार करे, उन्हें आशीर्वादित करे, उनसे खुश हो. Amen. The large percentage of Christians. अधिक प्रतिशत जो मसीह लोग हैं. Are working to be accepted. वो इसलिए काम कर रहे हैं ताकि परमेश्वर उन्हें अपनाए. They are doing out of fear. वो डर के मारे वो काम कर रहे हैं. Amen. It's not based on God's love for you. ये परमेश्वर की प्रीति के आधार पे नहीं कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है. Your work is your response to his love for you. अब आपका काम या आपका जो प्रतिसाद है उसकी प्रीति की ओर कैसा है? नहीं, हमारा जो भी काम करते हैं हम लोग, फेथ जो उस पे है और हम काम करते हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? बेस्ड ऑन हिज लव फॉर यू. कि जो भी हम काम उसके लिए करते हैं वो किस आधार पे होना चाहिए कि तब जवाब को पता लग जाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है. उसका प्रेम के वजह से तुम्हारा रिस्पॉन्स है, तुम कर रहे हो, और नहीं भी किया तो भी प्रेम करेगा, ऐसा तुम्हारा विचार है, होना चाहिए. Amen. Amen. A loving person is a loving person. वो एक प्रीतिमय व्यक्ति है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. Amen. Amen. This is an attribute of God. ये परमेश्वर का चरित्र है. Means which will never change. और जो कभी बदलेगा नहीं. Amen. He'll always love you. वो हमेशा ही आपसे प्रीति करता रहेगा. So, your work response is based on his love for you. तो जो उसकी प्रीति है उसके आधार पे आपका प्रतिसाद आपके काम होने चाहिए. Amen. See, you know, when people read the Bible. देखिए जब लोग बाइबल पढ़ते हैं. Read about sin. वो पाप के विषय में पढ़ते हैं. Read about immorality. वो अशुद्धता के विषय में. Read about judgment. या न्याय के विषय में पढ़ते हैं. Punishment. या दंड के विषय में पढ़ते हैं. Death. मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं. And they take all these things for themselves. और ये सारी बातें खुद पे लागू करने लगते हैं. उसने पाप किया तो प्रभु ने मार दिया, उसको बीमारी दिया, प्रभु ने जजमेंट लाया. They take it all for themselves. तो सारी बातें वो खुद के लिए अपनाना शुरू करते हैं. We read that all in the Old Testament. ये सारी बातें हम पुराने करार में पढ़ते हैं. But under the New Covenant, it is totally different. पर जहाँ नया करार है कृपा का, वहाँ बातें बिल्कुल अलग है. You can take a principle from there how God was before Jesus came. वहाँ आप किसी नियम को देखकर समझ सकते हैं कि यीशु के आने से पहले परमेश्वर कैसा था. वो एक न्यायी ईश्वर था. Amen. He was just. न्यायी पूर्ण काम करता. But now, it is totally changed because of Jesus. पर यीशु के आने से सभी बातें बिल्कुल बदल गई हैं. As I said, when you read the scripture. इसलिए मैंने कहा जब आप वचन पढ़ते हैं. Read with this mentality that Jesus has finished the work. तो इसी सोच के साथ पढ़िए कि यीशु ने पूरा काम समाप्त कर दिया है. Amen. So with that thought, you read the word. तो उसी विचार के साथ आप वचन पढ़िए. You know, some Christians say. अब कुछ मसीह कहते हैं. You know, even on Facebook, I read many wrong things. यहाँ तक कि Facebook पर मैं कई गलत बातें पढ़ता हूँ. One person put a photo about a saint. You know, उसके ऊपर पूरा खून बिन लगा है और उसको उठा के लेके जा रहे हैं लोग. हाँ, और नीचे लिखा, देखो कैसा लोग
टॉर्चर के मर गया, कितना तकलीफ से मर गया, और तुम लोग मरेगा क्या ऐसा? अरे ऐसा लोगों को भगा देगा वो। Is this the message that saves people? तो क्या इस तरह के संदेश से लोगों का उद्धार होगा? What a wrong picture. ये कितनी गलत तस्वीर है। I don't know. The devil is influencing them because of the wrong knowledge of God's word. अब क्योंकि लोगों के अंदर वचन का गलत ज्ञान है, इसलिए शैतान उन्हें प्रभावित कर रहा है। See, on the social media, it's an open platform. Anyone will read it. अब देखिए सोशल मीडिया में एक खुला मंच है जहाँ कोई भी पढ़ेगा। Unbeliever आएगा बोलेगा, अरे बाप रे, प्रभु में आने के लिए इतना मार मरण सब खून बीन सब करके फिर मैं प्रभु में आने, डर जाएगा, बोलेगा नहीं मांगता ये ऐसा प्रभु। What they are showing, I don't know. तो वो क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या हम लोग ऐसे जा सकते हैं? हम लोग ने मर गए अपना इसके लिए, तुम भी मरने पड़ेगा प्रभु में। See, this is not the message. We have the good news. हमारे पास अच्छी खबर है। The gospel in the original means too good to be true, good, too good to be true news. अब शुवर्तमान का मतलब असली में है कि इतना सच है, इतनी अच्छी खबर है कि भरोसा ही नहीं बैठता, विश्वास ही नहीं होता कि कोई इतना अच्छा खबर कैसे दे सकता है। Amen. That's why they were so angry at Apostle Paul. और ये कारण है लोग उस समय के प्रेरित पौलुस पर इतना गुस्सा हुए। ऐसा हो सकता है क्या? तुम क्या सोचते? तुम सोचते हैं क्या पाप भी किया, कितना भी पाप किया तो कुछ? Why they spoke like that? Because the gospel message was so good that it was difficult for them to believe. क्योंकि शुभवर्तमान का संदेश इतना ज्यादा अच्छा था कि उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। Amen. इतना अच्छा न्यूज कभी नहीं मिला था उनको, तो उसके लिए उनको उनको वो सोचने का भी इम्पॉसिबल था कि ऐसा हो सकता है। Because all the lifetime they were saying God's judgments, God's punishment, this, that, in the old covenant. क्योंकि पुराने करार में आजीवन उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की दंड को, न्याय को, उसके सजा को उतरते देखा था। हाँ, उन लोग ने ऐसा इतना अच्छा दयालु ये सब नहीं देखा उन्होंने। And when Paul started to preach grace, और जहाँ पौलुस ने कृपा का प्रचार करना शुरू किया, they were shocked. तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। This cannot be from God. कि ऐसा संदेश परमेश्वर से हो ही नहीं सकता। So Paul had to convince them. तो पौलुस को उन्हें मनाना पड़ा। So he had to say, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उनको कन्विंस करने वाला, because they were just coming, they were just new. क्योंकि वो नए थे, इसलिए बहुत सी बातों के लिए पौलुस को उन्हें समझाना पड़ा। Now हमारे इतना साल हो गया, अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। See, the Bible is not preaching to them now. देखिए अब जो वचन लिखा गया है वो उनके लिए प्रचार नहीं हो रहा। उन लोग मुश्किल समय से आया, उन लोग बिलीव नहीं कर सका। पर हम लोग कौन सा समय में? अभी कृपा का समय में, अभी कृपा भी खत्म होने का समय में है, फिर भी हमको अभी तक समझ में नहीं आया। हेलो, isn't it? Now we are ending this. After this grace, there is nothing. अब ये कृपा के काल के बाद समय अंत होगा। We are at the end now. अब हम समाप्ति के this समय is में। grace. ये कृपा का काल है। Amen. Amen. After grace is God's judgment. और इस अनुग्रह के काल के बाद परमेश्वर का न्याय उतरेगा। And the church will be removed before God brings judgment. और इससे पहले कि परमेश्वर धरती पे लोगों का न्याय करे, कलीसिया उठा ली जाएगी। Amen. Amen. God is not going to judge us. परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। Before he brings judgment, he's going to come and take the church away. इससे पहले कि उसका न्याय उतरेगा, वो आएगा और अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। Amen. Amen. Now how much more time we need to know this grace? अब इसी कृपा और अनुग्रह को समझने के लिए और कितना समय हम लेंगे? 80% Christians अभी भी लॉ में है। तुम देखो फेसबुक में मैसेजेस एंड पीपल आर गिविंग मैसेजेस, ओ माय, दे आर पुटिंग सो मच फियर एंड डिप्रेशन एंड गिल्ट एंड कंडेमनेशन एंड जजमेंट। और जिस तरह के संदेश आज फेसबुक पे दिए जा रहे हैं, लोगों में डर, दोष की भावना, न्याय उतारा जा रहा है। इतना भी काम करते फिर भी उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है, डर से काम कर रहे हैं उन लोग, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। So though the Bible records about all these things, इसके बावजूद कि बाइबल में सारी बातें लिखी हैं, but it also records the amazing grace and the love of God for us. पर साथ ही साथ परमेश्वर की अनोखी कृपा और उसका गहरा प्रेम का प्रचार भी किया गया है। You know, when we read the heroes in the Bible, जब हम बाइबल के नायकों को पढ़ते हैं, we admire them. तो हम उनसे प्रभावित होते हैं। But you see, they were people like us. तो हम पहले यदि देखें तो वो हमारे जैसे सामान्य लोग थे। Amen. उन लोग ने कितना गलती किया है। हम लोग We always look for perfection. हम हमेशा सिद्धता को देखते हैं। Hello? We look for perfection. हम सिद्धता की खोज करते हैं। क्या मान प्रभु खुश है क्या? मैं तो सब कुछ किया, आज बाइबल भी पढ़ा, क्या मान? अरे You see their life, all the big heroes in the Bible. तो बाइबल में जितने महान नायक है आप उनके जीवन को देखिए। डेविड, दाऊद, उसने भी बहुत बड़ा बड़ा गलती किया।
Abraham, Abraham, Moses, Musa. बड़ा बड़ा गलती किया इन लोगों ने, but look at God's love and grace and mercy. पर परमेश्वर की दया करुणा और उसके अनुग्रह को देखिए. Amen. So, you know, God's mercy is greater than judgment. तो परमेश्वर की करुणा न्याय से बढ़कर है. But we are putting God's judgment higher than His mercy. पर हम परमेश्वर के न्याय को उसकी करुणा और उसकी अनुग्रह से ऊपर उठाते हैं. Amen. They failed miserably. Many times. और कितनी बार उन्होंने भयानक ऐसी गलतियां की. Committed adultery, murder, everything. व्याभिचार किया, खून किया, ऐसे बड़े-बड़े पाप किए. मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करिए. I'm not giving a license for you to sin. ना ही मैं आपको पाप करने की इजाजत दे रहा हूँ. You know, when we become believers, जब हम विश्वासु बनते हैं, we don't love to sin. तो पाप करना हमें अच्छा नहीं लगता. We don't like to sin. पाप करना हमें पसंद ही नहीं आता. But since we are in the flesh, पर क्योंकि हम शरीर में हैं, and we have to fight it out, और सभी बातों का से लड़ना है, so many times you may fall in sin. तो हो सकता है कभी कभार आप पाप में गिर जाएं. But remember, पर याद रखिए, even when you pray for forgiveness, और जहां आप पापों की क्षमा भी मांगते हैं, though I am using some words for the basic Christians and different levels of Christians. और जहाँ मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो छोटे बच्चों के लिए या जो प्रभु में अभी सयाने नहीं है उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. You must believe. तो आपको विश्वास करना है. He is not forgiving you because you repented. कि क्योंकि आपने प्रायश्चित किया इसलिए प्रभु आपको क्षमा नहीं कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, उसने तो पश्चाताप करने के पहले ही क्षमा कर दिया है. Hello, with that thought you come. और उस तरह की सोच के साथ आप आइए. Amen. You know that is why some Christians never feel that they are forgiven. और ये कारण कुछ मसीहों को कभी लगता ही नहीं कि उनको क्षमा मिल चुकी है. Even after they have pleaded and begged, please प्रभु दाखा, please, 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 please. फिर भी उनको लगता नहीं है कि प्रभु ने क्षमा किया. See, what a miserable life. तो कितना दुख भरा जीवन है. No, you don't need to plead. इसके बावजूद कि आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. It's not your pleading that God forgives. आपको गिड़गिड़ाता देखकर प्रभु आपको क्षमा नहीं करता. Even before you are pleading, God has already forgiven you. आपके गिड़गिड़ाने से पहले ही परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है. And we are forgiven. Last time I taught you for Christ's sake. और पिछली बार मैंने आपको बताया कि मसीह की खातिर परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है. Not for your sake. आपके अपने अच्छे कामों की खातिर नहीं. Amen. You know, look at this, Ephesians 4:32. और इफिसियों के पत्री 4:32. Be kind one to another. एक दूसरे के प्रति कृपालु बने रहो. Tender-hearted. कोमल स्वभाव रखो. Forgiving one another. एक दूसरे को क्षमा करो. Even as God for Christ's sake. जैसे परमेश्वर ने भी मसीह के कारण या मसीह के खातिर. मसीह के कारण, तुम्हारा कारण नहीं है. तो तुम ये मत सोचो मैं अभी पश्चाताप किया तो प्रभु क्षमा करेगा. ऐसा नहीं है. प्रभु ने क्षमा कर दिया है. हेलो, लुक एट दिस. Why do we forgive others? क्यों हम दूसरों को क्षमा करते हैं? Not to be forgiven. ताकि हमें क्षमा मिले, इसलिए नहीं. Last time I gave this message. पिछली बार ये संदेश में दे चुका हूँ. Even as God for Christ's sake hath means past tense. और जैसे परमेश्वर ने मसीह की खातिर कर दिया. Has forgiven you. आपको क्षमा कर दिया है. Hello. तुम दूसरों को क्षमा करता है ताकि प्रभु तुमको क्षमा करेगा, ऐसा नहीं है. ये थॉट से तुम क्षमा करता है कि प्रभु ने मेरे पाप जैसा क्षमा कर दिया है, मैं भी उसको क्षमा करता हूं. आमीन. तो उसमें डर का कुछ बात नहीं है. सी, अननेसेसरी पीपल हैव टेकन फियर. देखिए, बेवजह लोगों ने डर पैदा कर लिया है. मैं क्षमा नहीं किया प्रभु, मुझे ऐसा नहीं, मेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा. दैट वाज इन द ओल्ड कवेनेंट. ये पुरानी करार की बात थी. जीसस केम टू मिनिस्टर टू द ओल्ड कवेनेंट पीपल. और यीशु भी जब आए तो वो पुराने करार के लोगों से बातें करने आए. That's why he told them that. इसलिए उसने उनसे ऐसा कहा था. He was speaking to the Jews. वो यहूदियों से बातें कर रहा था. Amen. So rightly divide the word of truth. तो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटिए. Don't mix it up. सभी बातों को मिलाकर मत रखिए. Add more new covenant scriptures. नए करार के वचन की जोड़ उस पे और लगाइए. And don't fear any verse. और कोई भी वचन को लेकर डर मत पैदा कीजिए. डरो मत, बिल्कुल. And the new covenant of grace, कौन सा भी वचन तुमको डर नहीं देना चाहिए. अगर डर आ रहा है तो तुम गलत सुन रहा है या और scriptures new covenant का add नहीं कर रहा है. Did you understand? आप समझ रहे हैं? If you add scriptures, यदि आप वचन को जोड़ते हैं, you will see it very clearly. तो आपको साफ साफ दिखाई देगा. Amen. That's why anyone preaches एक वर्स लेके, तुम सावधान रहो. अगर वो डराना जैसा स्क्रिप्चर है, तुम डरने की कोई बात नहीं है. वो
उसने नया करार का स्क्रिप्चर ऐड नहीं किया है. Amen. Amen. So that's why you're taking. Under the new covenant of grace, those who have believed in Jesus Christ, you are a saint. तो नई कृपा के करार के नीचे जिस किसी ने यीशु पे विश्वास किया है आप संत हैं. Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने कहा सिर्फ दो ही दल हैं. Saint and sinner. या तो संत है नहीं तो पापी है. There is no third. तीसरा दल है ही नहीं. The preachers are adding one third. और प्रचारक तीसरा दल खुद बना रहे हैं. Amen. संत है या पापी है, दो दूसरा थर्ड कैटेगरी है ही नहीं. तो तुम पापी है क्या संत है पहले सोचो. और कोई भी स्क्रिप्चर अगर तुमको उस पापी बनाता है, इसका मतलब प्रॉब्लम स्क्रिप्चर में नहीं है. जो प्रीच करता है वो और स्क्रिप्चर ऐड नहीं किया और तुमको ऐसा ही प्रीच कर रहा है, इसके लिए तुमको ऐसा कंडेम फील हो रहा है. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. तो आपको बहुत ही सावधान रहना है. Amen. Amen. And don't say amen. I told you last time. और पिछली बार मैंने कहा किसी भी बात के लिए amen मत बोलिए. Because you enter into that. नहीं तो आप उसमें उस संदेश में प्रवेश कर लेते. You partake of that message. आप उसमें भागीदार हो you जाते. Receive that message. आप उस संदेश को अपना लेते. That's the meaning of amen. यही amen का मतलब है. Did you understand this? तो ये बातें आप समझ चुके हैं. See, we have already been forgiven. देखिए पहले से हमारी क्षमा हो चुकी है. Based on that. और उसके आधार पे. Don't feel condemned. अपने आप को दंडित महसूस मत कीजिए. And don't walk by feelings. और ना ही भावनाओं के सहारे चलिए. मैं क्षमा तो मांगा, मैं प्रभु ने क्षमा किया क्या क्या मालूम है. मैं एक काम करता हूँ, उपवास प्रार्थना करता हूँ. जरूरत नहीं. Who told you to do all that? Many people, many Christians are doing that. बहुत से मसीह ऐसा कर रहे हैं. You know, they are walking by senses. वो भावनाओं के सहारे चल रहे हैं. Not by faith. विश्वास. You know, the Bible says we walk by faith, not by senses. बाइबल कहती है हम विश्वास से चलते हैं, देखकर नहीं. समाप्त करूंगा. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं. Not by feelings. देखकर नहीं या भावनाओं से नहीं. Some people are waiting for feelings. कुछ लोग भावनाओं के लिए रुकते हैं. To feel God has forgiven me. कि जैसे महसूस हो अच्छा लगे कि हाँ प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है. वो फीलिंग्स कभी नहीं आने वाला है और तुम लोग कॉन्डेमनेशन में, गिल्ट में, फियर में रहोगे और तुम्हारा फेथ नहीं चलने वाला है कि तुम उसके बाद तुम प्रार्थना भी करोगे क्या मन प्रभु ने क्षमा किया क्या मालूम नहीं, इसके लिए मेरे पास सब हो रहा है. सी, you are not walking by faith at all. तब तो आप बिल्कुल भी विश्वास से नहीं चल रहे. Amen. Receive forgiveness. क्षमा हासिल कीजिए. And don't live with guilt or regret. तो अफसोस में या दोष की भावना लेकर मत जिए. God has already forgiven you. प्रभु ने पहले से आपको क्षमा कर दिया है. You just receive it. आप सिर्फ उसे अपनाइए. And don't worry. क्या मालूम मैंने सब क्षमा मांग दिया गया क्या रह गया क्या. See, that is the thought. It should never come to you.